नमस्कार, जय गणेश। आप सबकी कुशलता चाहते हैं और आज का ये प्रेडिक्शन है 8 जून 2023 के बारे में। दैनिक नक्षत्र राशिफल में आप सबका स्वागत है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। सबसे पहले पंचांग के बारे में बात करेंगे। 8 जून 2023 विक्रम संवत 2079 ज्येष्ठ मास की जो तिथि है ये कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि होगी। शाम को 6:59 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7 बजे तक पंचमी तिथि है। उसके बाद छठ तिथि चालू होगी कृष्ण पक्ष की। वार जो है ये गुरुवार है। नक्षत्र श्रवणा है शाम को 6:59 यानी के 7 बजे तक नक्षत्र श्रवणा है। उसके बाद नक्षत्र तनिष्ठा होगा। योग इंद्र करण कौलव और चंद्र राशि मकर हैं। आज महत्व की दो नक्षत्र परिवर्तन होने वाली है। सूर्य जो रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं ये रोहिणी नक्षत्र छोड़कर मृगशिरा नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। राशि तो वही रहेगी क्योंकि रोहिणी और मृगशिरा के दो चरण जो है प्रथम और द्वितीय ये वृषभ राशि के अंदर हैं। आज मंगल का भी नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। मंगल जो पुष्य नक्षत्र में है ये मंगल भी आज आश्लेषा नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। दोपहर में 3:20 को इंडिया टाइम पर दो महत्व की दो एनर्जी ग्रहों की ट्रांजिट नक्षत्र परिवर्तन करने वाली हैं सूर्य और मंगल की। चंद्र का नक्षत्र श्रवण और तनिष्ठा है। बुध जो है ये बुध का नक्षत्र जो है ये कृतिका नक्षत्र होगा। बुध वृषभ राशि में एंटर करने वाले कर चुके हैं। आज के दिन के अंदर वृषभ कृतिका के दूसरे चरण में होंगे बुध। गुरु अश्विनी का चौथा चरण और मेष राशि, शुक्र पुष्य नक्षत्र का दूसरा चरण कर्क राशि, शनि सत्विशा नक्षत्र का दूसरा चरण कुंभ राशि, राहु अश्विनी नक्षत्र का तीसरा चरण और मेष राशि एंड केतु स्वाति नक्षत्र का प्रथम चरण और तुला राशि, ये ग्रहों की परिस्थिति है। आज के दिन के अंदर जो चंद्र का ट्रांजिट है शाम को अप्रोक्सीमेटली 7 बजे तक श्रवण नक्षत्र में है तो श्रवण नक्षत्र की ही बात करेंगे। क्योंकि ओवरऑल जो बिजनेस और नौकरी धंधा जो करने वाले हैं इनके लिए जो समय जो है सुबह 7-8 बजे से जो स्टार्ट होता है शाम के 7-8 बजे तक 9-10 बजे पकड़ लो, लेकिन जो ट्रांजिट है 7 बजे तक की बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आज चंद्र का श्रवण नक्षत्र का ही फल प्रिडिक्शन करेंगे। तो श्रवणा नक्षत्र जो है ये एक प्रकार से जो चंद्र का नक्षत्र है और इसकी जो योनी है ये वानर योनी है, जिसके कारण इसकी वाइब्रेंसी बहुत बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होगा कि आज के दिन में जो फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड है ये हर किसी जातक का थोड़ा सा टेंशन फुल हो सकता है, वाइब्रेंट हो सकता है माइंड ज़्यादा, इस प्रकार का कुछ आप महसूस करेंगे। प्रथम राशि मेष राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए जो आज का चंद्र है 10वें स्थान का चंद्र है और जो नक्षत्र ट्रांजिट है अश्विनी वाले जातकों के लिए एक सेम तारा है, लेकिन भरणी वाले जातकों के लिए ये विपत नक्षत्र है। तो भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म का सूर्य है या चंद्र है ये दोनों जातक भारी स्ट्रेस और तनाव महसूस करेंगे कैरियर को लेकर या तो फादर को लेकर या तो जॉब को लेकर। कृतिका वाले जातकों के लिए ये संपत नक्षत्र जरूर है लेकिन यहाँ पर योनि का दोष बनता है। कृतिका और श्रवणा जो है ये कट्टर शत्रु है तो कृतिका वाले जातक भी जॉब कैरियर ये सब रिलेशन फादर जॉब में अपर लेवल ये सब के साथ स्ट्रेस और तनाव महसूस करेंगे। वृषभ राशि में कृतिका वाले जातकों के लिए चंद्र भाग्य स्थान में शत्रु योनि में है, भले संपत नक्षत्र में है लेकिन यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग में आपको
जबरदस्त डिस्टर्बेंस आने की संभावना रहती है। वृषभ रोहिणी के लिए जन्म नक्षत्र है, वृषभ वृक्षशिरा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, तो भाग्य में वृद्धि तो होनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग है ये इसके कारण थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल सकता है। मिथुन राशि के लिए चंद्र अष्टम स्थान में है, तो आठवें स्थान में चंद्र का फल ठीक नहीं है, पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर स्ट्रेस और तनाव महसूस करेंगे। कर्क राशि वाला जातक मिथुन वृक्षशिरा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, आद्रा के लिए मित्र है, लेकिन पुनर्वसु जातकों के लिए ये वध नक्षत्र है, तो मिथुन पुनर्वसु वाले जातकों को सबसे ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस मिलने वाला है, पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर। कर्क पुनर्वसु के लिए वध नक्षत्र में सप्तम स्थान में चलने वाले चंद्र पार्टनर की ओर से ज़्यादा तनाव आपको दे सकता है। पुष्य वाले जातकों के लिए भी ये शत्रु योनि वाला नक्षत्र है, साधक नक्षत्र जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो चंद्र है श्रवणा नक्षत्र में वानर योनि में है, जो आपका कट्टर शत्रु है पुष्य का, तो आप भी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे आपके पार्टनर के बिहेवियर के कारण। और आश्लेष वाले जातकों के लिए ये चंद्र जो है आश्लेष श्रवणा का ये प्रत्यरी है, यानी कि आपके पार्टनर के साथ आपका भारी ओपोजिशन होगा। तो आज का दिन जो है ये कर्क राशि वाले तमाम जातकों के लिए पार्टनरशिप को लेकर बहुत भारी तनाव क्रिएट करने वाला हो सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो चंद्र आपके सिक्स्थ हाउस में है, तो ट्रांजिट आपके लिए ठीक है और शत्रु विजय करवाने वाला है। और मघा के लिए एक सेम तारा है, लेकिन पूर्व फाल्गुनी के लिए ये विपद नक्षत्र है, तो साथ में काम करने वाले जो हैं आपको स्ट्रेस और तनाव देने की कोशिश करेंगे। और उत्तरा फाल्गुनी के लिए आज का दिन एक्सीलेंट रहेगा, तो आपके लिए आज धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला दिन है। कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए बात करें तो चंद्र पंचम स्थान में होंगे, तो कहीं से आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना है। कन्या हस्त के लिए चंद्र जन्म नक्षत्र में है, तो जन्म तारा भी हमेशा शुभ फल देता है, इस हिसाब से आपको भी कहीं से कुछ लाभ मिलने की संभावना है मित्रों से, स्त्री मित्रों से। कन्या चित्रा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, तो आपके लिए भी दिन आज का शुभ है, संतान रिलेटेड आपके कार्य बनेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्र चतुर स्वभाव में रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस और तनाव तो जरूर मिलेगा, और मकान वाहन प्रॉपर्टी के कारण भी हो सकता है, या जॉब को लेकर हो सकता है, या बिजनेस को लेकर भी हो सकता है। तो चित्रा वाले जातकों के लिए ये चंद्र तुला चित्रा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, तुला स्वाति के लिए मित्र है, लेकिन तुला विशाखा के लिए ये वध नक्षत्र है, तो सबसे ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस महसूस करेंगे हु आर बोर्न इन तुला विशाखा। वृश्चिक विशाखा के लिए चंद्र पराक्रम भुवन में है, वध नक्षत्र में, तो आपको अपने भाई बहन और नेबर्स के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। वृश्चिक अनुराधा के लिए साधक नक्षत्र है, एक्सीलेंट फल होगा। वृश्चिक ज्येष्ठा के लिए प्रत्यारी है, आपका ऑपोजिशन होगा भाई बहन या आपके नेबर्स के साथ। तो धनु राशि के लिए फल क्या होगा, चंद्र धन स्थान के अंदर है, वाणी से आपको धन प्राप्ति करवाएंगे, वाणी में जितनी मिठास मरमस रखेंगे इतना आपको लाभ रहेगा। और धनु में मूला के लिए एक सैम नक्षत्र है, लेकिन पूर्वाषाढ़ा वाले जातकों के लिए ये विपद नक्षत्र है, तो मूला और पूर्वाषाढ़ा दोनों अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे। क्यों, क्योंकि जो मूला के लिए एक सेम तारा जरूर है, लेकिन यहाँ पर योनि जैसा दोष बनता है, एग्जैक्ट योनि दोष नहीं है लेकिन योनि दोष जैसा बन सकता है, क्योंकि मूला की जो आप जिसका जन्म मूला में हुआ इनकी योनि श्वान है, और इस नक्षत्र की जो योनि है वानर योनि है, ये आपका शत्रु जैसा है। आपने कभी देखा है कोई बंदर किसी कुत्ते को खाने देता है, नहीं ना, तो इस प्रकार से ये भारी अनकंफर्टेबल जो परिस्थिति कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है मूला वाले जातकों के लिए। पूर्वाषाढ़ा के लिए भी सेम परिस्थिति है, पारिवारिक सदस्यों के साथ कुछ तनाव आ सकता है। उत्तराषाढ़ा वाले जातकों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा, तो आपके लिए धन संपत्ति में वृद्धि होने वाली है।
मकर उत्तराषाढ़ा के लिए भी दिन शुभ है, मकर श्रवणा के लिए ये जन्म नक्षत्र है तो जन्म तारा हमेशा कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाला होता है। मकर धनिष्ठा के लिए भी दिन शुभ है, आपका कॉन्फिडेंस में वृद्धि होने वाली है। कुंभ राशि के लिए आज का दिन चंद्र 12वें स्थान में होंगे, 12वें स्थान के अंदर चंद्र का फल शुभ नहीं है तो कहीं ना कहीं माइंड का वाइब्रेंसी बढ़ने वाला है। इस परिस्थिति में आपको लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कुंभ धनिष्ठा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, कुंभ शरद विशा के लिए मित्र है, लेकिन कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए ये वध नक्षत्र है, 12वें स्थान के चंद्र है। वाणी व्यवहार और वर्तन में आपको संयम बरतना होगा, अन्यथा आपको भारी लॉस आने की संभावना रहती है। कुंभ पूर्व भाद्रपद, मीन पूर्व भाद्रपद के लिए चंद्र लाभ स्थान में होंगे, लेकिन नक्षत्र जो है ये वध होगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपको अपने मित्रों के साथ, संतानों के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका क्या करना होगा। मीन उत्तर भाद्रपद के लिए साधक नक्षत्र है, सबसे ज़्यादा शुभ फल मीन उत्तर भाद्रपद के लिए है। मीन प्रवृत्ति के लिए ये प्रत्यारी नक्षत्र है, मित्रों के साथ, त्रिमित्रों के साथ, संतानों के साथ आपका भारी ऑपोजिशन होने की संभावना है। तो श्रवणा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, आज महत्व का जो परिवर्तन होने वाला है, सूर्य मृग शिरा नक्षत्र में चलने वाले हैं और सूर्य का जो मृग शिरा में जो ट्रांजिट होने वाला है ये 8 तारीख की शाम को 6:56 को 18:56 PM इंडिया टाइम पर सूर्य मृग शिरा नक्षत्र में चलेंगे। तो मृग शिरा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है, तो आज के दिन के अंदर जो लव रिलेशनशिप है, मेल फीमेल रिलेशनशिप है, ये एक्सीलेंट रहने वाला है, क्योंकि चंद्र जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल, सूर्य जो है ये मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य मेल रिप्रेजेंटेटर है, चंद्र फीमेल रिप्रेजेंटेटर है और दोनों का कॉम्बिनेशन नक्षत्र का अच्छा है। फिर भी आपके जो जन्म के ग्रह कितने मिलते हैं दोनों को एक दूसरे के साथ, हस्बैंड वाइफ के, वो भी तो देखना बहुत ज़रूरी है लव रिलेशनशिप के लिए। लेकिन फिर भी ओवरऑल मोटा मोटी ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आज के दिन में ओवरऑल सब जातकों के लिए मैरिड लाइफ में शांति रहेगी और लव रिलेशनशिप ठीक रहेगा। श्रवणा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है, फीडिंग टू मंकीज, बंदरों को खिलाना है। बंदरों को आप कुछ मीठा खिलाएं, केला चीकू बनाना, केला चीकू बनाना, ग्रेप्स या ग्लूकोज के बिस्किट या गुड़ रोटी, कुछ मीठा खिलाना है श्रवणा और धनिष्ठा दोनों नक्षत्र की शांति के लिए। हालांकि धनिष्ठा शाम को 7 बजे चालू होने वाला है, तो श्रवणा के लिए आप मीठा खिलाएं तो आने वाले समय में नेक्स्ट नक्षत्र की भी, धनिष्ठा की भी शांति ऑटोमेटिक हो जाएगी। नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन को एक लाइक का बटन जरूर बनता है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। सोशल मीडिया के तमाम माध्यम से, फेसबुक, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि माध्यम से इस प्रेडिक्शन को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन का ज्ञान और लाभ मिले। नमस्कार।